तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है उससे पहले भाई जो वार्म अप मैचेस खेले जा रहे हैं, तो भाई उन्हीं में से एक जो मैच खेला जाएगा बांग्लादेश वुमेन वर्सेज इंग्लैंड वुमेन्स के बीच में, तो भाई इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ बताऊंगा कि कौन से प्लेयर यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और कौन से प्लेयर यहाँ पर भाई आपके लिए मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली। ठीक है, यहां पर भाई आपको एक चीज बता दूं कि ये वार्म अप मैचेस है तो यहां पर भाई लाइनअप्स आने के चांसेस काफी कम रहेंगे, तो बिना ही लाइनअप्स के आपको ये मैच खेलना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखो आपको मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूं कि देखो या तो यहां पर भाई लाइनअप आएगी नहीं, लाइनअप अगर आएगी ना तो भी भाई दोनों टीम्स की जो पूरी स्क्वाड है 15-15 प्लेयर्स की, तो भाई पूरी ही लाइनअप्स आने वाली है। ठीक है, तो यहां पर भाई किसी आपको पता है भाई जो मतलब वनडे सीरीज से पहले भी कभी कभी वार्म अप मैचेस खेल लेती है टीम्स एक दूसरी के अगेंस्ट, जैसे मतलब सीरीज से पहले टेस्ट सीरीज से पहले भी खेल लेती है, तो वहां पर भाई क्या होता है कि वहां पर देखो ग्राउंड पर तो एक टाइम पर 11 ही प्लेयर रहेंगे और जो बैटिंग कर रही है टीम उसके 11 ही बैट्समैन बैटिंग करने आएंगे। ठीक है, लेकिन उन 15 में से कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पहले कोई स्क्वाड अनाउंस करनी पड़ेगी या प्लेइंग 11 अनाउंस करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, हाँ ग्राउंड पर आपके 11 ही खिलाड़ी दिखेंगे आपको फील्डिंग करते हुए, बट ये जैसे मान लो बुमराह बाहर बैठा है, ठीक है, और अभी शमी बॉल डाल रहा है तो शमी 5 ओवर डाल गया, ठीक है, उसके बाद जो 5 ओवर बचे, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, आपको पता है भाई लगातार 5 ओवर नहीं डाल सकता। ठीक है, तो मान लो शमी के 5 ओवर मतलब कंप्लीट हो गए, 5 ओवर भाई बचे हुए हैं, तो वो भाई बुमराह आके डाल सकता है और शमी बाहर जाके बैठ जाएगा उस टाइम पर। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखो 15 में से जो 11 बैट्समैन होते हैं ना, तो टीम अगर चाहे तो उन 11 के 11 बैट्समैन को मौका दे सकती है, या फिर मतलब जैसे भी चाहे तो टीम अपनी टीम मतलब जो टीम वो जो मैनेजमेंट है वो अपनी टीम को कैसे भी खिला सकती है। ठीक है, वार्म अप मैचेस का भाई यही फायदा होता है। अब यहाँ पर भाई मैं आपको सीधा टीम बना के दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लेइंग 11 वगैरह डिस्कस करने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्लेइंग 11 कोई आएगी नहीं तो भाई प्लेइंग 11 का फायदा यहाँ पर होना भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, जो मैं अभी आपको टीम बना के दूंगा ना ये सिर्फ एक डेमो टीम रहेगी, फाइनल टीम आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और अगर मैं टेलीग्राम चैनल पर टीम नहीं दूँ तो भाई आप समझ जाना मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, अगर मैं टीम नहीं भी दूंगा तो मैं मैसेज डाल दूंगा कि वीडियो टीम फाइनल है, तो आप इस टीम के साथ अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो ऐसे भाई ए जोन्स की बात करेंगे तो आपके लिए विकेट कीपर काफी अच्छी रहेंगे, लेकिन भाई बैट्समैन बैटिंग में इसके चांसेस मतलब इसके बैटिंग आने के चांसेस काफी कम रहेंगे। यहां पर अगर बात करें जो निगर सुल्तान है ये भाई टीम की कैप्टन भी है और विकेट कीपिंग भी आपको यही करती नजर आएंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है। इसके अलावा जीएल मिनी जीएल में भाई आप शमीमा सुल्ताना को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भी भाई ओपनिंग करती है, तो मतलब अगर आप चाहो तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर जो निगर सुल्ताना ये भाई वन डाउन खेलती नजर आएंगे, शमीमा सुल्ताना अगर सेट हो गई तो भाई आपके सामने मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर बना के जा सकते हैं, तो जीएल मिनी जीएल में आप इसे ट्राई कर लेना। अभी के लिए मैं निगर सुल्ताना के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, अभी ऐसे बात करें तो ऐसे देखो जो तो हैदर नाइट है, अब इनके देखो ये आपके लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, ठीक है, और 100% भाई बॉलिंग भी करती नजर आएंगे, लेकिन भाई प्रैक्टिस मैच है तो चांसेस काफी कम है कि मतलब ये दोनों काम ही आपको करके देंगे, बैटिंग भी करके देंगे बॉलिंग भी करके देंगे, क्योंकि जो और गेंदबाज है ना जिन्हें ये बाहर बैठाएंगे उन्हें भाई ये मौका देंगे इस ऐसे मैचेज में बॉलिंग करवाने का, तो ऐसे में जो इनके मेन बॉलर है वो अपने कंप्लीट ओवर नहीं डालने वाले। ठीक है, तो कंप्लीट ओवर नहीं डालेंगे तो भाई यहाँ पर हैदर नाइट को बॉलिंग मिलने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं। ठीक है, तो एज ए बैट्समैन अगर आप इसे लेके जाना चाहो तो आप लेके जा सकते हो, अदरवाइज भाई आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हो। यहां पर अगर बात करें जो टैमी बेमोंट है इनको भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, और भाई इनको तो आप ट्राई कर ही लेना, मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से होने वाली है। इसके अलावा एफ आक की बात करें तो भाई 2 डाउन बैटिंग करेगी, नंबर 4 पर बैटिंग करेगी, हो सकता है भाई अगर निगर सुल्ताना ओपनिंग करती है यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन में तो भाई यहाँ से फिर आपके लिए ये 1 डाउन भी खेलती नजर आ सकती है, तो उस कंडीशन भाई आप इसे ट्राई कर सकते हो। डैनियल वाइट की बात करें तो भाई ये आपको ओपनिंग करती हुई दिख जाएंगी और मतलब हो सकता है ज़्यादा चांसेज है कि भाई ओपनिंग करेंगी, वैसे भाई नेचुरल स्पोर्ट है वो इनका ओपनिंग का ही है, लेकिन लास्ट कुछ सीरीज में भाई नीचे ये बैटिंग कर रही थी। ठीक है, अब इनके साथ यहाँ पर देखो मैंने 3 बैट्समैन पिक कर ले, यहाँ पर मैंने ऑलराउंडर अभी तक एक भी पिक नहीं किया है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। लेकिन उससे पहले अगेन याद दिला दूं कि यहाँ पर सिर्फ आपको डेमो टीम मिल रही है, फाइनल टीम भाई टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से बात करें तो यहाँ पर भाई आप ट्राई कर सकते हो नेटी सीवियर को, तो नेटी सीवियर को तो भाई आप इसको अपनी टीम में जरूर से ट्राई
ट्राई कर लेना, ठीक है। बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों काम आपको यहाँ पर करती नजर आ जाएगी। सलमा खातून आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, के ब्रांड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो रुमाना अहमद, ये चारों की चारों प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। और यहाँ पर देखो रुमाना अहमद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों ही करके देंगी और इस कंडीशन भाई ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ से देखो सोफी एलेक्सट्रॉन और यहाँ से भाई एन एस सरबसोली दो तो हमारे लिए मस्ट पिक प्लेयर हो गए। अब हमारे पास क्रेडिट बचे हैं यहाँ पर भाई 8.5, तो 8.5 क्रेडिट में आप या तो एफ खातून को, फाइमा खातून को ट्राई कर सकते हो, या फिर आप नादिया अख्तर को ट्राई कर सकते हो, और या फिर आप यहाँ से रितु मोनी को ट्राई कर सकते हो। और मेरे हिसाब से आपके लिए रितु मोनी सबसे बेस्ट होने वाली है क्योंकि भाई देखो जो बांग्लादेश की टीम है ना इनके मतलब ऑल आउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन भाई इनकी बैटिंग आएगी ही आएगी। तो भाई ये काफ़ी अच्छी खासी बैटिंग भी करना जानती है, साथ ही भाई बॉलिंग में की बात करें तो बॉलर भाई विकेट टेकिंग गेंदबाज है, तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पिक यहाँ से जो रितु मोनी है वो होने ही वाली है, तो इनको आप ज़रूर ट्राई करके चलना। हाँ, आप अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा गेंदबाज लेके जाना चाहो तो यहाँ पर सलमा खातून को ड्रॉप करके और फिर आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि सलमा खातून भी आपके लिए एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर और आपकी टीम में जरूर से जगह बनाती है, ठीक है, तो ट्राई जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ से सीवीसी की बात करें तो देखो कैप्टन आप बना सकते हो यहाँ से नेटी सीवर को, और वीसी की बात करें तो भाई आप रुमाना अहमद को बना सकते हो, या फिर आप यहाँ से अगर चाहो तो आप यहाँ से जो के ब्रंट है इनको आप बना सकते हो, या फिर आप हैदर नाइट को बना सकते हो, और या फिर आप यहाँ से जो इनके गेंदबाज है ना सोफी इलेक्ट्रॉन और यहाँ से भाई एन एस सरबसोल इनमें से किसी को बना सकते हो। तो अभी के लिए मैं एस इलेक्ट्रॉन को अपनी टीम का वीसी बना रहा हूँ, और यहाँ से देखो अभी के लिए जो मेरी डेमो टीम है वो कुछ इस प्रकार की रहेगी। बाकी फाइनल टीम आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर ही मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मैच मॉर्निंग में 3:30 पर खेला जाएगा ऑलमोस्ट भाई, मतलब ये मान लो कि आपके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सारी अपडेट दे ही दूंगा। कुछ भी अपडेट आती है किसी भी चीज़ के बारे में तो सारी की सारी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और भाई ये टीम ऑलमोस्ट हमारी फाइनल टीम है, बाकी अगर कुछ चेंजमेंट हो गए तो उसकी अपडेट मैं आपको बता दूंगा, वरना भाई हमारी ये ऑलमोस्ट फाइनल टीम आप मान के चल सकते हो, ठीक है। तो इस टीम के साथ आप अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे टेलीग्राम चैनल पर मैच टाइम पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।